हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, जुलाई के महीने में मतलब कि 26 जुलाई को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था हॉलीवुड की मूवी डेडपूल और वुल्वरीन, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर रायन रेनॉल्ड्स, ह्यूज जैकमैन के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। आप इस मूवी को अब तक थिएटर्स में लीजिए 15 डेज के आसपास का कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी के 15 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चूँकि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन मूवी का टोटल बजट लगभग 200 मिलियन के आसपास का था, जिस अमाउंट को अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट किया जाए तो इस मूवी का टोटल बजट लगभग 1600 करोड़ के आसपास का चला जाता है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड अच्छे खासे स्क्रीन रिलीज किया गया था, जिसके ऊपर से इस मूवी को काफी अच्छी तरीके से प्रमोट करने के वजह से ऑडियंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड भी थे। तो उसी के चलते इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही लगभग 20 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी काफी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमें काफी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 14 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 112 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 15 को लगभग हमारे इंडिया से 2 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 14 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन मूवी अपने रिलीज होने के 15 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 114 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका है। इसी के साथ इस मूवी ने ग्लोबली भी काफी अच्छा कलेक्शन करने के वजह से इस मूवी के 15 डेज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 924 मिलियन के आसपास का चला जाता है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट 200 मिलियन के आसपास का ही था, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना था तो इसे 400 मिलियन के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता। जो कलेक्शन थे मूवी बहुत पहले बॉक्स ऑफिस पे क्रेट कर ही चुका है, और अभी भी जिस तरीके का इस मूवी का मैं डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो मैं कंफर्म कह ही सकता हूँ कि यहाँ पे डेडपूल वुल्वरीन मूवी का जो ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगा वो 1 बिलियन के आंकड़े को बहुत ही जल्द पर कर लेगा। जो कलेक्शन करते हुए मूवी आने वाले टाइम पे इससे ज्यादा भी कलेक्शन कर सकता है। जो कलेक्शन करते हुए मूवी आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा कलेक्शन करते हुए लगभग 1.2 बिलियन से लेकर 1.4 बिलियन के आसपास का जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।